आप मेरा लुक को देख ही लो, ऊपर से अब नीचे तक जंगली हो रहे हैं हम। तो घर से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि घर से निकले थे हम करीब 6 बजे और 6 बजे हो रहा था अंधेरा। तो आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है हमारे केवलादेश नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी से। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अभी टाइम हो रहा है 6:53। तो गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। और आज घने में आने का एक रीज़न है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं आज हमारे यहाँ पर बर्ड सेंचुरी में, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम आए हुए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा निकलते हैं अंदर। केवलादेश नेशनल पार्क में पहली बार इतनी सारी संख्या में पेलिकन आई हुई हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं, गैजेट्स कैमरे वगैरह सेट कर रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में। और उसका क्या रीज़न है, आई होप कि अब की बार बर्ड सेंचुरी में अब हमारे पानी ज़्यादा है, हो सकता है इस वजह से हो। एक्चुअली अब हमारे श्याम जी नहीं मिल रहे, हमको श्याम जी से पूछेंगे इस पेलिकन बर्ड्स के बारे में, पेलिकन बर्ड के बारे में। और अभी फ्लाई होके इधर आ रही है, तो चलिए अब उधर की तरफ चलते हैं। तो अब की बार अच्छा लग रहा होगा, आपको भी वीडियो पसंद आ रहा होगा और हम तो मज़े लेते ही लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाके मिलते हैं। तो अभी मैं श्याम जी को बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि एक्चुअल में अब की बार पेलिकन यहाँ इतने क्यों आए हैं, या मुझे ज़्यादा लग रहे हैं या पहले भी आते थे। तो एक बार श्याम जी से मिलते हैं अपन। तो श्याम जी जरा हमको बताओ ना कि इस सीज़न में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेलिकन मैं पहली बार देख रहा हूँ या पहली बार ही इतने आए, क्या चक्कर है? हाँ, देखिए धर्मेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नहीं आते थे, पहले इससे भी ज़्यादा अच्छी संख्या में यहाँ पे पेलिकन्स आते थे इस जंगल में। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि आपने पहली बार देखे होंगे। मैं पहले यहाँ पर जब ये पूरा फुल हेल्दी हुआ करता था, और मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल पहले की। अच्छा, अच्छा। तो जब यहाँ पे हजारों की संख्या में पेलिकन्स के झुंड आते थे। अच्छा। राइट, क्योंकि ये हर साल इनका पानी का प्रॉपर टाइम पे आना, प्रॉपर जंगल में पानी होना, प्रॉपर फूड होना, ये सब मायने रखता है बर्ड्स को रोकने के लिए। तो बीच में क्योंकि पानी क्योंकि इस पार्क ने बहुत बुरा समय भी देखा है और एकदम सूखा भी रहा है, कई कई साल तक पानी नहीं था, बिल्कुल ड्राई था, तो जो रेगुलर आने वाली बर्ड्स थी ना, वो डाइवर्ट हो गई और दूसरी झीलों के अंदर। अच्छा, लेकिन अच्छा। अभी आप देख रहे हो दोबारा से वही कोशिश की जा रही है। पार्क डिपार्टमेंट ने अब की बार बहुत अच्छा काम किया है और रेगुलर सोर्स जो है हमारा पांचना डैम का, वहाँ से ही पानी आया है क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी। और गोवर्धन ड्रेन करके एक कैनाल है हमारी यहाँ, वहाँ से जो पानी हम लेते हैं पंप के द्वारा, वो भी काफ़ी यहाँ से पानी लिया है हमने। तो अब की बार प्रचुर मात्रा में पानी है और पानी के साथ साथ फुल अच्छी अच्छी मात्रा में खाना है। आपको पता है पेलिकन जो है ना, वो बड़े पक्षी हैं और जो जितना बड़ा पक्षी उतना ज्यादा खाना चाहिए। तो ज्यादा खाना नहीं होगा तो वो क्यों रुकेगा। तो इससे पता चल रहा है यहाँ पे जो आज के टाइम में जितने भी 200-300-400 जो भी यहाँ पे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि इतनी मात्रा में अगर ये आए हैं ना, इट मीन्स, और यहाँ रुके हुए हैं काफी दिन से, इसका मतलब यहाँ पे खाना जो है वो प्रचुर मात्रा में है। और अगर इसी प्रकार से मेंटेन रहा पार्क, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली साल और संख्या बढ़ के आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रहा था ना कि कोई ना कोई बात तो है, अब की बार मैं भी देख रहा हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा है और खाने के लिए मछलियों की तादाद खूब ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी बर्ड्स और काफ़ी स्पीसीज अब की बार यहाँ पर संख्या बढ़ गई है। तो ये अच्छी बात है हमारे भरतपुर के लिए, अच्छी बात है इस घने बर्ड सेंचुरी केवलादेश नेशनल पार्क के लिए, बहुत अच्छी बात है और सभी के लिए बहुत खुशीखबरी की बात है कि इस तरीके से अगर यही रहा ना, तो हमारा घना भी प्रगति करेगा, हम भी प्रगति करेंगे और आपको वीडियो देख के मज़ा आ ही रहा होगा। तो चलिए अभी और कुछ कोशिश करते हैं और कुछ फुटेज देने की, फिर यहाँ पर कोशिश करते हैं।
अभी आप जो मेरे कैमरे में देख रहे हो ना, तो ये है जो बर्ड मेरे आप कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ मैं, इसको इसका नाम है ग्रे लेग गीज। और हमारे श्याम जी बता रहे हैं कि ये 6000 किलोमीटर दूर साइबेरिया से आता है ये पक्षी। अब आप लगा लो हिसाब। तो मैं कह रहा हूँ मंगोलिया, मंगोलिया साइबेरिया उधर साइड से आता है जी। दैट्स अ ग्रेट। तो मैं कह रहा हूँ ना, आपकी बार काफ़ी अच्छा जा रहा है हमारा घना, और यही हालत रही ना तो मज़ा आ जाएंगे, आगे के ब्लॉग इतने शानदार आएंगे।